बैक टू माई चैनल एसके हब। तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ एक पीनट बटर का रिव्यू जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो चलिए रिव्यू को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक दे के भी जरूर जाएं। तो दोस्तों ये जो पीनट बटर है ये योगा बार ब्रांड का है, एंड यहाँ पर मैंने क्रीमी एंड चॉकलेटी फ्लेवर यहाँ पर ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे जो मैंने ये पैक मंगाया है ये 1 kg का है, एंड इसका जो MRP है वो 499 rupees है। अभी मैं आपको बिल दिखा दूँगा कि मैंने इसे कितने में परचेज़ किया है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 13 दिसंबर 2021 है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट से ये 6 months के लिए इसकी बेस्ट बिफोर होती है, तो 6 months तक आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए अब बात कर लेते हैं इसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो कैसे हैं, और यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। तो बाकी चीज़ें मैं इसकी 100 ग्राम में वैल्यूज बता देता हूँ। जो इसमें आपको एनर्जी मिल जाएगी दोस्तों वो मिल जाएगी 633 kcal, एंड प्रोटीन जो है यहाँ पर आपको 26 ग्राम मिल जाएगा 100 ग्राम में, और कार्बोहाइड्रेट आपको 20 ग्राम मिल जाएगा, और इसमें थोड़ी एडेड शुगर भी है गाइस, क्योंकि ये चॉकलेटी फ्लेवर है और इन लोग ने इसे थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें अलग से शुगर ऐड की हुई है। तो यहाँ पे 8.6 ग्राम शुगर अलग से ऐड की गई है, और जो इसमें फैट है वो 50.2 ग्राम है, और बाकी विटामिन ई और विटामिन B7 की भी मिलीग्राम में थोड़ी थोड़ी मात्रा है, तो वो आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें 80% पीनट है, एंड रॉ शुगर भी इसमें थोड़ी यूज़ की गई है, उसकी परसेंटेज इन लोगों ने नहीं दी है। 4% इसमें डार्क चॉकलेट यूज़ की गई है, और इसके अलावा इन लोगों ने शुगर ऐड करी है, और सोया सीड्स इसमें 3% सोया सीड्स ऐड किए हैं, और नेचुरल कोको पाउडर भी इन लोगों ने इसमें यूज़ किया है। दोस्तों अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों जो इसका सर्विंग साइज़ होता है वो आपका 32 ग्राम होता है, तो अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून के बराबर होता है। तो अगर आपके पास मेज़र करने के लिए कुछ नहीं है तो आप अंदाजे से 2 टेबल स्पून इसे डेली बेसिस पे खा सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी एक सर्विंग ही पर डे खाएं, ज़्यादा ना खाएं, वरना आपकी जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूं कि इसका फ्लेवर कैसा है, एंड ये टेस्टी है या नहीं, और मैं इसे आपको रिकमेंड करूँगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ कि इसका कलर कैसा है। और दोस्तों ये जो इसका कंटेनर है ये प्लास्टिक का कंटेनर आता है, कांच का नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का है, एकदम डार्क ब्राउन कलर का इसमें होता है, क्योंकि इसमें चॉकलेट का यूज़ किया गया है चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए। क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने काफ़ी जो रेगुलर हमारे पीनट बटर आते हैं विदाउट फ्लेवर और नेचुरल, वो मैंने मंगाए थे और काफ़ी यूज़ किए हैं उन सबका। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। मैंने 3-4 पीनट बटर अलग अलग ब्रांड्स का रिव्यू किया हुआ है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों ये इस तरीके का है, और यहाँ पे मैंने क्रीमी फ्लेवर मंगाया, तो इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ है, एकदम पेस्ट टाइप का है ये, और यहाँ पे एकदम डार्क ब्राउन कलर है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बता देता हूँ कि इसका फ्लेवर कैसा है। दोस्तों इसका जो फ्लेवर है वो पीनट और चॉकलेट दोनों का मिक्स टाइप का फ्लेवर है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम ये चॉकलेट जैसा होगा तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको अप्रॉक्स 60% पीनट का फ्लेवर आएगा, और चॉकलेट का फ्लेवर भी आपको आएगा 40-50%। तो ओवरऑल मतलब ये मेरे को अच्छा लगा, और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आपको कहीं ना कहीं ये अच्छा लगेगा, और इसमें जो स्वीटनेस है वो भी मतलब अच्छी है। नेचुरल पीनट बटर में क्या होता है, केवल पीनट का टेस्ट आता है, ये थोड़ा मीठा भी है और थोड़ा चॉकलेटी भी है। तो अगर आपको नॉर्मल पीनट बटर आप नहीं खा पाते हैं तो आप इसे परचेज़ ज़रूर करिए, आपको ये अच्छा लगेगा।
और इसके अलावा इसका क्रंची भी फ्लेवर भी आता है, जिसमें आपको पीनट्स के थोड़े थोड़े जो टुकड़े होते हैं वो मिलते हैं, तो एक क्रंचीनेस रहती है उसमें। तो अगर आपको स्मूथ और क्रीमी नहीं पसंद है तो आप क्रंची फ्लेवर भी इसका परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इसका जो MRP है वो तो 499,500 रुपीज़ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने कितने में परचेज किया है। तो दोस्तों मैंने इसे ओनली परचेज किया है 295 रुपीज़ में। तो अगर आपको इसे लेना है और आपको अच्छी डील मिल जाएंगी इसमें, ये कभी कभी 300 के नीचे मिल जाता है, कभी कभी 300 के ऊपर मिलेगा, तो आप इसे मतलब अंडर 350 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपको ये कब सही रेट में मिल रहा है, आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं, और अगर आप ये परचेज़ करेंगे तो मेरे को बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए जेन्यून एकदम रिव्यू लाता रहूँगा, क्योंकि मैं ये खुद से प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ और आप सबके साथ इसका रिव्यू शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। I'm